पिछले 2 महीनों से उज्जैन के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित वेयरहाउस में हो रही चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम तेजू बागरी, प्रकाश बागरी, कचरू बागरी निवासी पिपलिया विचार, राजेश निवासी देवा, शब्बीर शाह और शाहरुख निवासी इंदौर और भेरू निवासी मोती नगर उज्जैन है। आरोपियों ने उज्जैन के ग्रामीण क्षेत्रों के 4 वेयरहाउस में चोरी करना कबूल किया है। 28 सितंबर को आरोपियों ने भेरुगढ़ में स्थित साईं बाबा वेयरहाउस का ताला तोड़कर 110 बोरी लहसुन चोरी की। वहीं 13 अक्टूबर को बनगर थाना क्षेत्र के ग्राम शाह जिलापुर में स्थित नसीब वेयरहाउस से 40 बोरी चना चोरी कर लिए। 14 नवंबर को नागदा थाना क्षेत्र स्थित मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के वेयरहाउस का ताला तोड़कर 48 बोरी चने चोरी किए। 6 नवंबर को महितपुर रोड थाना क्षेत्र के पार्षदनाथ वेयरहाउस का ताला तोड़कर 80 बोरी चना चोरी कर लिए थे। आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी जी आर साइबर सेल प्रभारी राजा राम की मुख्य भूमिका रही। पुलिस द्वारा एक गैंग पकड़ा गया है जिसमें 7 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। विभिन्न थाना क्षेत्रों से इन्होंने जो वेयरहाउस होते हैं उस पर काफ़ी मात्रा में सामग्री चोरी करी है। पुलिस ने वो सामग्री जब्त करी है। इसमें पुलिस द्वारा वर्तमान में भी अन्य जब्ती कार्रवाई की जा रही है। 4 प्रकरण अभी तक उज्जैन जिले के इनसे बरामद हुए हैं। आरोपियों से जो अन्य वारदातें की है उसके बारे में भी पूछताछ इनसे की जा रही है। ये 4 आरोपी इसमें उज्जैन जिले के हैं, 2 इंदौर के, 1 देवास के हैं, पूर्व में परिचित हैं। इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह की वारदातें की गई हैं और अन्य जिलों से भी जानकारी हम एकत्रित कर रहे हैं कि अगर वहाँ पर भी अगर इसी प्रकृति की वारदातें हुई हैं तो उसमें भी इनकी क्या भूमिका रही वो जानकारी लेंगे। ये वेयरहाउसेस की रैकी करते थे, रैकी करने के पश्चात वहाँ पर गार्ड की स्थिति देखते थे और एक पिकअप वाहन में वहाँ से सामग्री ले जाके इसको बेचते थे। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।